महिला का ऑपरेशन करने के बजाय दो डॉक्टर्स आपस में भिड़ गए। महिला का ऑपरेशन प्राथमिकता से किया जाना था, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ी महिला को छोड़ मरीज के लिए भगवान समझे जाने वाले डॉक्टर काफी देर तक एक दूसरे से उलझते रहे। ऑपरेशन में विलंब होने के कारण नवजात बच्ची की मौत हो गई। दोनों के बीच इस तरह तकरार का वीडियो वायरल हो गया। सहायक आचार्य डॉक्टर अशोक नैनीवाल को निलंबित कर दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर एमएल टाक से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर एमएल टाक ने गायनी के डॉक्टर अशोक नैनीवाल से महिला को बेहोश करने के लिए कुछ जानकारी मांगी, पर इस डॉक्टर नैनीवाल इस पर भड़क गए और जोर जोर से बोलने लगे। उनका आरोप था कि डॉक्टर टाक काम करना ही नहीं चाहते, जबकि डॉक्टर टाक उनसे महिला से जुड़ी कुछ जानकारी मांग रहे थे ताकि उसके अनुसार बेहोश करने की दवा दी जा सके। दोनों डॉक्टर्स के बीच जोरदार तकरार होती रही और अन्य डॉक्टर और कर्मचारी तमाशा देखते रहे। दोनों चिकित्सकों ने एक दूसरे पर अपशब्द बोलने का आरोप लगाया है। इसी बीच किसी कर्मचारी ने दोनों के बीच हुई तकरार का वीडियो बना सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजना देसाई ने एक टीम का गठन कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हम टेबल पे ऐसे मरीज की जो जांच प्रक्रिया होती है बिना समय गवाए टेबल पे कर लेते हैं ताकि टाइम खर्च नहीं हो। तो हमने पूछा भाई इंडिकेशन क्या उनका, भाई इसकी धड़कन नहीं आ रही बच्चे की, तो धड़कन नहीं आ रही तो हमने कहा भाई स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, खाना पीना खा रखा तो कमर में सूर्य के इंजेक्शन लगाए थे ताकि इसको जल्दी हो जाए। तो इसी बीच में जो जिस टेबल का वीडियो आप देख रहे हैं उस टेबल का वो जो कर रहा था वो धार भी आया था कि लड़ेगा, तो उसे मतलब तरह तरह से गाली गलौज करने लगा, ये क्या बना रखा क्या आएगा तुम्हें देख लूँगा बाहर देखो अननेसेसरी, मैंने जबकि मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने रेजिडेंट को कह रहा हूँ कि इसको मतलब अपने को जल्दी लेना है ताकि मतलब इसका बच्चा मान लो धड़कन हो तो बच जाए। एक पेशेंट जिसका नाम अनीता था उसके बच्चे की बहुत धड़कन कम हो रही थी, उसको उसने उसके रेजिडेंट लेकर आए और जो मेरे सामने की टेबल है उस पर लेटाया, उस बेहोशी के डॉक्टरों को उसे बेहोश करने के लिए कहा गया। उसी दौरान जो कि एनेस्थीसिया के प्रोफेसर हैं डॉक्टर एम एल टाक सर और डॉक्टर चंद्रा कंडी मैडम, उन लोगों ने मजाक लहजे में कहते हुए ये दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दो डॉक्टर लड़ रहे हैं, ये डॉक्टर एमडी जोधपुर का है, एमडी की बात लेकर अपने साथ में रहना और बता रहा हूँ और इस तो औकात नहीं है तेरे औकात में निकल ही जाएगा, ये पढ़े लिखे किसी गलतफहमी ना हो रहेंगे आप ये सोचिए संताने वाले बर्गर साले हुई है बेचारी और साला देखो है ना अपना प्रदर्शन के दौरान लड़ने के डिग्रियां लेकर यहीं पर जिसका जन्म होना था और वो बेचारी देखो ये दिखा रहे हैं हम आपको बढ़ रहे इस तरह के डॉक्टर होंगे रख दिया है तमीज है इसीलिए तो सर तमीज इसमें देनी है इसीलिए रिकॉर्ड कर तो क्या हो गया भाई चेक करा तो क्या हो गया नुकसान हो गया क्या पेशेंट खाना खाता है तो मैं तो ध्यान रखना पड़ता ना आराम से बैठ जाओ ये ठीक है अब ठीक है अपनी अवकाश चलाकर तू हैप्पी है के लिए। तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें
संवेदनहीनता खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक पेशेंट सामने पड़ा है, सामने सीरियस कंडीशन में है और दो डॉक्टर्स जो भगवान कहे जाते हैं पेशेंट के लिए, वो आपस में लड़ रहे हैं और इसके चलते एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। पेशेंट के घर वालों ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और हॉस्पिटल की अधीक्षक डॉक्टर रंजना ने एक कमेटी गठित की है जिसके बाद पता चलेगा गलती किसकी थी। हालांकि इससे ये तो साफ होता है कि दोनों डॉक्टर्स ही दोषी हैं जो एक पेशेंट को छोड़कर लड़ाई कर रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब